हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्वीट ऑफ टिया। और मैं हूँ टिया। तो आज है 29th of May। तो टाइटल देख के ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ा कुछ आइडिया होगा। और जो लोग आज मेरे चैनल में नए आए हो, प्लीज़ मेरा लास्ट वाला ब्लॉग प्लीज़ देख लीजिए, उसके बाद ये ब्लॉग देखिए, क्योंकि उससे ही रिलेटेड है ये ब्लॉग। अगर वो ब्लॉग आप लोग नहीं देखोगे तो ये ब्लॉग में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जी हाँ, आज हम फिर से जा रहे हैं एक डॉक्टर के पास। तो सेम डॉक्टर पास हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि सेकेंड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है, या फिर मैं हम लोग 2-3 डॉक्टर को दिखाएंगे। तो आज हम लोग जाएंगे एक दूसरा डॉक्टर के पास। तो अभी सुबह की टाइम है और मेरा फेस देख के आप समझ ही गए होंगे, मैं कुछ ही देर पहले सो के उठी हूँ। और अभी जाएंगे डॉक्टर के पास, इनके साथ मैं जाऊँगी। और देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं। मैं आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूंगी, जैसे कि मैंने शेयर कर ही दिया है सब कुछ। तो अभी जो भी कुछ होगा मैं आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूंगी। तो अभी उतना ज़्यादा बातें करते ना हुए ब्रेकफास्ट करते हैं। हस्बैंड का ब्रेकफास्ट हो गया है, मैं नीचे जाती हूँ। मम्मी आज जो बना के रखी है मैं वही ब्रेकफास्ट करूंगी। सेकेंड ओपिनियन लेना ज़रूरी है इसीलिए, क्योंकि एक डॉक्टर के कंसल्टेशन में सर्जरी हम लोग करेंगे तो फिर मुझे पर्सनली ये चीज़ ठीक नहीं लगता है। मुझे लगता है सर्जरी करने से पहले 2-3 डॉक्टर का ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग सेकंड डॉक्टर के पास जा रहे हैं आज, देखते हैं क्या होता है। तो अभी ब्रेकफास्ट करके मैं ऊपर आती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय। तो मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो हो गया है और अभी रेडी होने की बारी है, तो चलिए रेडी हो जाते हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी। जिस सनस्क्रीन अप्लाई किया है मैंने और एक लिप बाम, दैट्स इट। और मास्क मेरे हस्बैंड नीचे ले गए हैं ऑलरेडी। तो अभी हम लोग जाते हैं, बाय। और प्रे करना कि कुछ अच्छा न्यूज़ आए। मुझे पर्सनली सर्जरी में नहीं जानी है उनको लेके। आई हेट दिस थिंग। देखते हैं, जाते हैं, बाय। हे गाइस, सो बहुत देर बाद मैं अभी शूट कर रही हूँ। तो मैं डॉक्टर को दिखाने के बाद डायरेक्टली बाथरूम चली गई थी और शावर लेके फिर आ गई हूँ। सो बाहर से आने के बाद मैं किसी भी चीज़ को टच नहीं करना चाहती थी, तो डायरेक्टली मैं जाती थी शावर पे। और शावर लेने के बाद मैं आप लोगों से डायरेक्टली बात कर रही हूँ। अभी क्या है ना, अभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है बहुत ज़्यादा, क्या करूँ। आप लोगों को पता है कि हम लोग जिस डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं वो जलपाईगुड़ी के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स है, मतलब रैंकिंग 1, रैंकिंग 2, ऐसा कुछ रैंक गोल्ड मेडलिस्ट है। ऐसे डॉक्टर्स को हम लोग दिखा रहे हैं जो बेस्ट है। तो जो पहले डॉक्टर था वो डाउट कर रहा था कि अपेंडिक्स है, और उनका जो ESG था वो लोअर एब्डोमेन में हुआ था, सिर्फ लोअर एब्डोमेन उन्होंने रिकमेंड किया था, तो वहाँ पे स्लाइटली अपेंडिक्स विजिबल है। तो आज हम लोग दूसरा डॉक्टर के पास गए थे, क्योंकि सर्जरी के बारे में, सर्जरी अगर करनी है तो दूसरा डॉक्टर की ओपिनियन भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने नहीं बताया उस डॉक्टर को कि हम लोगों ने पहले कोई डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर बहुत चेक वेक करके बोला है कि अपेंडिक्स तो बिल्कुल हो नहीं सकता है ये, मतलब हम लोग शॉक्ड रह गए। हम लोग बोल रहे थे कि बिल्कुल भी होने का चांसेस नहीं है, बोल रहे थे कि नहीं, बिल्कुल होने का चांसेस नहीं है। ये शायद किडनी में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर किडनी में स्टोन हो सकता है, कुछ ऐसा। और ये डॉक्टर ने फिर से USG रिकमेंड किया है होल एब्डोमेन में। ऑल्दो हम लोग होल एब्डोमेन का जो USG है वो करने ही वाले थे, और भी कुछ टेस्ट दिया है, तो वो टेस्ट हम लोग करेंगे मंडे को, क्योंकि हम लोग जहाँ से करेंगे वो कल बंद रहेगा, इसलिए मंडे को करना है हम लोग को। तो अभी
क्या है ना, इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, और इस मामले में क्या होता है, हम लोग जो कॉमन पीपल हैं वो लोग डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा कि हम लोग टोटली डिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोगों को उसके बारे में मतलब शरीर के बारे में क्या मतलब डायग्नोस कैसे करना चाहिए ये सब कुछ भी नहीं पता है। तो हर एक डॉक्टर, अगर मैं 3-4 डॉक्टर के पास जाऊँ तो अगर हर एक डॉक्टर एक एक चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर हम लोग कहाँ पे जाएंगे। तो मेरे मायके से बता रहे थे, मम्मी बता रही थी, दी बता रही थी कि अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो तुम लोग बेंगलोर में जाके चेक करा सकते हो। तो ये डॉक्टर लोग पता नहीं क्यों हम लोगों को कन्फ्यूज करते हैं या फिर क्या है। अब पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो तो सेम ही है, तो हर एक डॉक्टर क्यों अलग अलग ओपिनियन देते हैं, मतलब एक जो बोलते हैं दूसरा वो काट ही देते हैं, तो हम लोग क्या करें। तो ठीक है, हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि मंडे को हम लोग फुल एब्डोमेन करेंगे, होल एब्डोमेन का यूएसजी कराएंगे, और कुछ कुछ का रिपोर्ट तो 3 दिन बाद आने वाला है, कुछ कुछ ऐसा टेस्ट भी दिया है डॉक्टर ने, तो वो आने के बाद मैं आप लोगों को ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या अपडेट है। अभी पता नहीं है कि क्या सर्जरी करना पड़ेगा, अभी सर्जरी करना पड़ेगा या नहीं वो भी नहीं पता है, मेडिसिन लेने से ही हो जाएगा या फिर से सर्जरी करना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगा तो किस चीज़ का सर्जरी करना पड़ेगा, अपेंडिक्स का या फिर किडनी का। मैं ये उनको बोल रही थी, अगर हम लोग अपेंडिक्स एक डॉक्टर का कंसल्टेशन लेके अगर हम लोग अपेंडिक्स कट कर लेते थे और उसके बाद फिर से आप लोग आपका अगर ये प्रॉब्लम होता फिर हम लोग देखते कि किडनी में इन्फेक्शन है या फिर किडनी में स्टोन है, फिर हम लोगों को सर्जरी करना पड़ता, तो मतलब क्या है, क्या करूँ, मतलब हम लोग नॉर्मल लोग जो है वो क्या करें। आई डोंट नो, मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हूँ, टेंस्ड हूँ, सबसे ज़्यादा जो है वो मैं वरीड हूँ कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएगा या नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है घर में हस्बैंड को ऐसा हो, किसी को भी ऐसा हो, ये और तो बहुत नॉर्मल रहता है जब नॉर्मल हो, बट जब दर्द होता है तो भयानक दर्द होता है, हम लोग शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं जिसका वो जिस जगह से गुजर रहा है वो पेन शायद मैं फील ही नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसा ही है, और मैं आज ये वीडियो अपलोड करूँगी, और आज के वीडियो में मैंने कुछ भी नहीं दिखाया, सिर्फ जो अपडेट है आप लोगों को वही दिखाया, और कल मैं रेस्ट लूँगी, कल मैं छुट्टी लूँगी, फुल वीक अगर मैं काम करूँगी तो फिर बिल्कुल खुद के लिए टाइम नहीं रहेगा, ये सब दिमाग में और भी कुछ चल रहा है, तो अगर हैप्पी नहीं रहूँगी तो फिर व्लॉग में अच्छा कुछ चीज़ मैं दिखा नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैं कल रेस्ट लूँगी। सोमवार सुबह सुबह हम लोगों को जाना पड़ेगा वहाँ पे, और देखते हैं फुल डे, उस दिन मेरा एग्ज़ाम भी है 12 बजे से, आई डोंट नो कैसे सब कुछ मैनेज होगा, बट हाँ सब कुछ ही करना पड़ेगा, और मैं आप लोगों को सभी प्रोसेस में जो है लेके जाऊँगी। और इस वीडियो को अभी ख़त्म करती हूँ मैं, क्योंकि इस वीडियो को और कंटिन्यू करने का मन मुझे नहीं कर रहा है, और कल कोई वीडियो नहीं आएगा गाइस, मंडे से फिर से शायद मैं वीडियो पब्लिश करूँगी। इस वीडियो को मैं कुछ नहीं कहूँगी कि इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, कुछ नहीं कहूँगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक आप लोग अच्छे रहिए, सेफ रहिए, खुद का ध्यान रखिए, फैमिली मेम्बर का भी ध्यान रखिए। सो बाय।